गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं नहीं नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था, विपक्ष हो गया था, नहीं था। अब आप ये देखो कि आज विपक्ष सरकार नहीं झूठ बोल रही है, सरकार ही सच बोल रही होगी। मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, बाकी मैं टीवी कम देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ। शक्ति देने माँ, मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं तुझे हे माँ, हे माँ, शक्ति देने माँ, हे माँ। इस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से? मुस्लिम से। और जो चीज इनमें हराम होना चाहिए वो चीज हराम नहीं है, मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? वो लोग जो है एक उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें से बच्चा पैदा कर रही है ताकि भारत पे कब्जा हो सके? जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है इंडियन राइट छीन लिए जाए, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। कितना रुला है लोग मोदी जी को, मोदी जी को। ललिता भी रो रहे थे भाई, ललिता चुप हो गई, गोलू भी रो रही, फोटो देख के कैसा रो रहे मोदी जी की, ये लोग रुला रहे सब, मोदी जी डिजर्व नहीं कर।